करनी का मतलब यह है कि जिस तरह से मनुष्य पार हो जाता है जब उसके अंदर के देवता जागृत हो जाते हैं। श्री गणेश हमारे अंदर हमेशा संतुलन लाते हैं। आप साइकोलॉजी में मैं इसे बताऊं, क्योंकि साइंस वाले हमेशा साइकोलॉजी पर जाते हैं। साइंस में जिसे ईट कहते हैं, आई डी ईट, वही श्री गणेश है। वे कहते हैं कि अचेतन ऐसा है, अनकॉन्शियस ऐसा है कि उसके अंदर से स्वप्न में ही कुछ इस तरह के प्रतीक सिंबल्स आते हैं, उससे जान पड़ता है कि हमारे अंदर कुछ संतुलन लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अंदर कुछ करेक्शन लाने की कोशिश की जा रही है, हमें कुछ समझाया जा रहा है। इस तरह के बहुत से फ्राइड ने तक, हालांकि वो भी एक राक्षसी था, लेकिन फ्राइड ने तक इधर इशारा किया, पर उसके अनेक शिष्यों ने, और आज जहां साइंस पहुंचा है, साइकोलॉजी पहुंची है, उन लोगों ने सब ने इस बात का निदान लगाया है और कहा है कि अनकॉन्शियस जो है, जो अचेतन है, वो कोई बड़ी भारी सोच समझ वाली चीज है, वो हमें सही रास्ते पर रखते। वो श्री गणेश, साइकोलॉजिस्ट अभी श्री गणेश तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि श्री गणेश के लिए पहुंचने के लिए पहले अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। रात दिन शराब पीने वाले आदमी श्री गणेश के पास कैसे पहुंचेंगे? अपने जीवन को जिसने पवित्र नहीं बनाया है, जिसके जीवन में संतुलन नहीं है, जो अपनी पत्नी छोड़कर और अनेक औरतों में रमता है, ऐसे महापापी लोगों के लिए क्या गणेश जी दर्शन देंगे, जो कि स्वयं साक्षात पवित्रता के अवतार है? लेकिन पवित्रता के चमत्कार इतने हैं कि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में, ऋषि यूनिवर्सिटी में गए थे राहुरी में, वहां के कुछ प्रोफेसर हमारे शिष्य हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि माँ हमें कोई ऐसा तुम वाइब्रेटेड पानी दो जिससे हमारी उपज बन जाए। तो मैंने कहा लो, मैंने उनको ऐसे हाथ घुमा के पानी दिया। कल ही वो आए थे, बता रहे थे अपने अपने किसे, तो कहते हैं कि उस पानी से उन्होंने कुएं में डाल दिया और उस कुएं के पानी से जितना भी धान्य हुआ वो 100 गुना ज्यादा हुआ। कहले ये तो हमें मालूम ही था कि माँ वाइब्रेशन से होगा ही, क्योंकि वो तो पहले भी हो चुका था, लेकिन सबसे आश्चर्य ये हुआ कि बहुत सा अनाज, 250-250 पोतियां का अनाज चूहे खा जाते थे, सड़ जाता था, विशेषकर चूहे खाते थे। और जिस गोदाम में ये अनाज रखा गया, हमको आश्चर्य हुआ कि उसमें छेद भी थे उन बोरों में, लेकिन चूहों ने उसमें दांत तक नहीं लगाए। और उसी के पास एक पेन रखा हुआ था, एक और तरह की चीज होती है जिसको पेन कहते हैं, वो दूसरी किसी जगह का था, वो सारा वो खा गए जो कभी चूहे नहीं खाते, और गेहूं उन्होंने छुए नहीं जैसे कि वैसे रखे। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता? साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं कि हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन साक्षात सामने है, देखिए ये बात। अब ये एक साइंटिस्ट ही है वहां के, उन्होंने मुझे बताया, राहुरी के प्रोफेसर हैं चव्हाण, उन्होंने मुझे बताया कि माँ हम लोग दंग हो गए देख। अब हम यूनिवर्सिटी में इस बात को कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं इत्तफाक होगा। उन्होंने कहा भाई इत्तफाक ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चूहे ने छुआ ही नहीं, जब परमात्मा की बात हुई तो इत्तफाक हुआ और साइंस की बात पे श्योर शॉट हुआ। क्योंकि परमात्मा को मानना मनुष्य के अहंकार के लिए बड़ी कठिन बात है। अहंकार ने इस तरह से सर ढक दिया है, थोड़ा सा अहंकार जरा इधर खींच लीजिए तो बराबर बीचों बीच जगह हो जाती है मेरे सहयोग के लिए। इस अहंकार के बारे में वो ये नहीं सोचना चाहते कि कैसे हो सकता है। कैंसर की बीमारी हमारे सहयोग से आप जानते हैं कि बहुत लोगों की ठीक हो गई, दिल्ली में भी बहुत से कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, यहां तक कि वहां की गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कैंसर की बीमारी किस तरह से सहयोग से ठीक हो गई।
तो मैंने एक डॉक्टर साहब जो हमारे शिष्य उनको भेजा कि भाई आप जाकर वहां बताइए। वहां के सेक्रेटरी ने हमें चिट्ठी लिखी, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक आदमी का तो कलर ब्लाइंडनेस, मैं बॉम्बे में लंदन में थी, उसकी मेरे पास चिट्ठी आई और दूसरे दिन मैं ध्यान में गई, उसी दिन उसका कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, डायरेक्टर था, उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसके कलर ब्लाइंडनेस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंत में बड़ी मुश्किल से मैंने वहां एक सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखी, बाबा उसका एग्जामिनेशन तो करवा लो। जब एग्जामिनेशन हुआ तो वो लोग आश्चर्य में हो गए कि इसका कलर ब्लाइंडनेस कैसे ठीक हो गया, यहां भी ऐसे लोग बैठे हैं, इनका पुनर्जन्म हुआ है, बहुत से लोग हैं, गवाही देंगे आपको, आप सुन लीजिए उन लोगों से। तब उन्होंने खबर की कि आप किसी डॉक्टर को भेजिए, हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज में इसका पता करें। उन डॉक्टर साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी कि पहले तो इन साइंटिस्ट से लड़ते लड़ते मेरी हालत खराब हो गई, उसमें फिर इमरजेंसी हो गई, इस वजह से अभी वो बात स्थगित, पर वो कहते हैं कि यहां होने वाला नहीं। मैंने सबसे कहा कि भाई सहयोग एक हिंदुस्तान की देन है, कैंसर का मैंने खोज लगा लिया है, क्यों नहीं इसे देखते हो, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार ही नहीं। अब देखिए आप कि अमेरिका में एक डॉक्टर लांजेवार करके बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो मेरे शिष्य हैं, और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि माँ मुझे कोई विशेष ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सहज योग को ही संसार में फैला सकूं। अभी लंदन से आने से कुछ दिन पहले ही उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि मैं सारे न्यूयॉर्क के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसका मैं चेयरमैन हो गया, और कह रहे हैं कि अब आप वहां आइए और सबकी अब कॉन्फ्रेंस करा के उसके सामने हम ये कैंसर का और इस सब चीज का सामने रखेंगे कि हमने पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अब आपके सामने मैं कह रही हूं, यहां के जो डॉक्टर्स हैं अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये आने दीजिए अमेरिका से, फिर क्या करें, जब हम सभी चीज अमेरिका ही की लेने चाहते हैं तो मैं इसे क्या कर सकती हूं। इस प्रकार अनेक बीमारियां सहजयोग से ठीक हुई। सहजयोग से आपके अंदर जो 7 सेंटर्स हैं, आपके अंदर जो सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है, वो कुंडलिनी के प्रकाश से जागृत हो जाते हैं, और ये देवता जागृत होकर के उसका पूरा संतुलन करते हैं और शरीर का पूरा संचालन करते हैं और सारे शरीर में वो शक्ति प्रदान करते हैं जो ऊपर से हमारे ओर पूरी बहती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर हम मोटर का पेट्रोल खर्च कर रहे हों और वो खत्म हो रहा हो तो हमें एक तरह का टेंशन आ जाता है, पर अगर आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो कि पूरी समय आपके अंदर पेट्रोल भरता रहे तो थकने की कोई बात ही नहीं, खर्च होने की कोई बात ही नहीं, इसी तरह की व्यवस्था हो जाती है। इसी को पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब आपको यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि यह सब कह रहे हैं डॉक्टर लोग कि पैरासिंपथेटिक का पकड़ना बहुत मुश्किल है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरा यह भी कहते हैं कि अगर साइकोसिंथेसिस करना है, अगर सब शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं और मन बुद्धि और अहंकार आदि सबको अगर एकत्रित करना है तो उसके लिए पैरासिंपथेटिक से ही चढ़ना होगा। ये सब उन्होंने स्टेज पूरा बना लिया हमारे, वो वही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम अगर कहें कि तुम कूद करके स्टेज पे आ जाओ तो उसके लिए कोई भी बुद्धिमान तैयार नहीं। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।